नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जीएनटी स्पेशल। आज बात दिवाली से पहले बनने जा रहे महासंयोग की। दिवाली तो 12 नवंबर की है यानी 8 दिन बाद, लेकिन उससे पहले आज महासंयोग बना है और वो भी पूरे 400 साल के बाद, पूरी 4 सदी के बाद। इस बार ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जिसने त्योहारों के सीजन में लोगों के लिए धनतेरस से पहले ही दिवाली कर दी है। दरअसल इस बार दीपावली से पहले आज यानी 4 नवंबर और कल यानी 5 नवंबर को 2 दिन खरीदारी के महामुहूर्त पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। दिवाली की खरीदारी शुभ मुहूर्त से शुरू की जाती है और अगर इस दौरान पुष्य नक्षत्र भी हो तो वो और शुभ संयोग माना जाता है। 4 नवंबर शनिवार यानी आज सुबह 8 बजे से पुष्य नक्षत्र की शुरुआत हो चुकी है, जो अगले दिन यानी रविवार को सुबह 10:30 बजे तक मौजूद रहेगा। इसके क्या महत्व है, इसमें क्या लाभ होंगे, इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में हमारे साथ मौजूद मेहमान ज्योतिषाचार्य बताएंगे। तो इस बार दिवाली से पहले ही पुष्य नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। क्या है ये पुष्य नक्षत्र और क्या करना चाहिए इस पुष्य नक्षत्र में, ये इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल और ज्योतिषाचार्य प्रतीक दधी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर और बहुत बहुत बधाई आज आपको पुष्य नक्षत्र की। तो सबसे पहले सुमित्रा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो पुष्य नक्षत्र है इसका क्या अर्थ है और पुष्य नक्षत्र के क्या महत्व है। जी बिल्कुल, अगर बात करते हैं पुष्य की तो पुष्य दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और चंद्रमा की जो पत्नियां थी उनमें से एक पत्नी थी। और पुष्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पोषक, मतलब अगर जो भी चीज में हम पोषण की बात करते हैं तो वहां पर पुष्य नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक छोटी सी कहानी से बताना चाहूंगी कि राहु ने एक बार बृहस्पति की पत्नी को देखा और उससे वो मुग्ध हो गया और उन्होंने बृहस्पति की पत्नी तारा को अपहरण कर लिया। जब ये बात बृहस्पति को पता चली तो वो चाहते थे कि वो वापस तारा को ला सके, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे कैसे राहु से जीता जाए। वो विष्णु भगवान के पास जाते और विष्णु भगवान ने एक योजना बनाई और योजना के तहत सब देवताओं ने मिलकर राहु पर आक्रमण किया था पुष्य नक्षत्र पर, और तब जाकर वो वहां से लेके आ पाए थे तारा को। तो जिनका भी राहु खराब है, जो भी राहु से पीड़ित है, उन सब के लिए आज विशेष दिन है। तो पुष्य नक्षत्र हमेशा साधना के लिए, आप कोई भी चीज आप चाहते हैं कि आप अचीव कर सके और जो चीर स्थाई हमेशा आपके जीवन में बना रहे, तो उसके लिए पुष्य नक्षत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और बात बोलूंगी, जैसे कि वराह मिहिर की बात अगर करें तो उन्होंने एक जगह लिखा था कि जिनके भी पुष्य नक्षत्र में जन्म होता है उनको कभी भी काम करने वाले लोगों की कमी नहीं होती। हम जानते हैं अगर हम कोई बिजनेसमैन है या इवन होम मेकर भी है तो अगर हमारे सबॉर्डिनेट स्टाफ अगर अच्छा काम करे तो ही हम आगे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि टीम इंपॉर्टेंट है। तो जिनको भी टीम रिलेटेड प्रॉब्लम है या स्टाफ या सबॉर्डिनेट पे जिनका भी कार्य क्षेत्र डिपेंड करता है, उन सब के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो आज पुष्य नक्षत्र में उन्हें जरूर आराधना करनी चाहिए। और पुष्य जो नक्षत्र है उसमें 3 अगर ग्रहों की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव होता है वो है गुरु, शनि और चंद्रमा। तो जिनकी भी, मान लीजिए अभी शनि की 7:30 चल रही है, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट समय है कि वो साधना करें। और गुरु के लिए ओम गुरुवे नमः का भी जाप कर सकते हैं, शनि के लिए ओम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं, चंद्रमा के लिए ओम सोमाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। हम एक तरफ तो बोलते हैं सोना चांदी लोहा इस टाइप के जितने भी जो वही खाता है नया, या फिर कोई भी जो हम उपयोग के सामान है या नया हम कोई मंत्र चैंटिंग शुरू करना चाहते हैं तो वो सब आज से शुरू होना चाहिए। शुरुआत के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जहां तक बात करती हूँ सोने की, तो सोने का कारक भी गुरु है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सोना काफी बना रहे, काफी लोग धनतेरस और दिवाली पे सोना खरीदते हैं, पर आज पुष्य नक्षत्र में खरीदने से वो चिरस्थायी रहेगा, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तो आज जरूर सोने का परचेज किया जाना चाहिए। आज सुबह 7:57 से ये मंगलोक शुरू हुआ है और कल 10:29 तक रहेगा। तो जो आज भी नहीं ले पा रहे वो एटलीस्ट कल ले लें या आज शाम होने पर आज कुछ ना कुछ सोना चांदी लोहा या कम से कम वही खाता किसी ना किसी चीज की शुरुआत आज जरूर करें। जी सुमित्रा जी, तो सुना आपने कितनी सरलता से सुमित्रा जी ने बताया कि आज के दिन की क्या महत्वता है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग जो हैं उन्होंने करवा चौथ पे शॉपिंग नहीं की है तो आज का दिन जो है वो सोना और चांदी जो है ज़रूर खरीदें, अपने हस्बैंड से उस चीज़ की डिमांड करें। रुक करना चाहूँगी सुमित्रा जी का। सुमित्रा जी, हिंदू पंचांग के अनुसार आज पुष्य नक्षत्र में गज केसरी योग भी बन रहा है, तो इसके क्या महत्व है, ज़रा इसके बारे में बताइए।
जी बिल्कुल बोलना चाहूंगी। गंज केशी योग में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, हम गुरु की बात करते हैं, हम चंद्रमा की बात करते हैं, तो गुरु तो देवताओं के गुरु हैं। और ये हर जितने भी हमारे जो जीवन में हम अगर बोलते हैं कि कोई भी हम डिसीजन लेते हैं उसके लिए गुरु इम्पोर्टेंट है। तो अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसके बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में कमी है, या वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं, जिनका मन अशांत रहता है, तो चंद्रमा भी शांति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वराहमिहिर भी बोलते हैं कि जिनका पुष्य अच्छा होता है या पुष्य में जन्म होते हैं, वो बच्चे अशांत मतलब अशांत नहीं होता, उनका मन बहुत शांत रहता है। तो जिनको भी शांति चाहिए जीवन में, उनके लिए भी आज चंद्रमा की साधना होनी चाहिए। जिनको भी लगता है कि बुद्धि में कमी है, उनके लिए भी आज चंद्रमा की साधना होनी चाहिए। और इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोजेनी मतलब फर्टिलिटी के लिए। तो अगर जिनकी भी संतान नहीं हो रही है, या जो इनफर्टाइल है, या प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनके लिए भी आज का दिन इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पुष्य जो नक्षत्र है ना, इसका आकार ही गाय के उदर के समान है। तो जो होता है पोषण या फर्टिलिटी या स्थायित्व के लिए, तो जिनको भी इनफर्टिलिटी की समस्या है, आज उनको एक बात और समझने की है कि चंद्रमा जो है वो मातृत्व का भी कारक है, और शनि जो है वो भी फर्टिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे जो प्लैनेट के आज कॉम्बिनेशंस है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिनके भी अनफर्टिलिटी है, या बच्चों से रिलेटेड कोई भी समस्या है, चाहे मतभेद की है, या चाहे पढ़ाई लिखाई की है, या अटेंशन की है, सबके लिए आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप करें, तो इससे हमें दो फायदे होंगे। सबसे पहले हम लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न कर पाएंगे, दूसरी बात हम बाकी अपने जो चंद्रमा शनि बोले या फिर गुरु बोले, इनको भी साथ पाएंगे, और कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं को दूर करेंगे। कुछ छोटी छोटी चीजें आज दान करें, जैसे कि दाल चावल या खिचड़ी का दान करें, हो सके तो कढ़ी बनाकर दान करें, या बड़ी के जो मूंग के जो लड्डू होते हैं इसका भी दान करें। आज लोगों को खाना जरूर खिलाएं, और जो आपके सबॉर्डिनेट हैं इनके साथ चिल्ला चिल्ली ना करें, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं आपके सबॉर्डिनेट, आपके जो स्टाफ हैं, आपसे जो नीचे हायरकी में काम कर रहे हैं, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके सबॉर्डिनेट को आज आप खुश रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके प्लैनेट्स को भी बैलेंस करता है। तो आज कम से कम चिल्ला चिल्ली ना करें, और उनको खुश रखने की कोशिश करें, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। और आज हो सके तो नया बही खाता आज शुरू करें, और लक्ष्मी जी के लिए सुबह और शाम आज दोनों टाइम आप दिया जलाएं, और मंत्र मैंने आपको बता दिया नमो नारायण का जाप करें, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के लिए। जी सुमित्रा जी, और इसी के साथ सुमित्रा जी आपसे जानना चाहूंगी कि पुष्य नक्षत्र के दौरान पूजा पाठ का क्या विधान होता है, क्या विधि होती है, जरा इसके बारे में बताइए। जी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वहीं से स्टार्ट करना चाहूंगी कि आज लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए काफी खास दिन है। तो जब सुबह जब पुष्य लगा, जैसे 8 बजे वो टाइम तो क्रॉस हो गया, अगर आपने उस टाइम दिया नहीं जलाया है तो अभी दीपक जलाएं सबसे पहले, और जी शाम को दोबारा दीपक जलाएंगे। ये योग हमारा कल तक रहेगा, कल सुबह 10:30 बजे तक। तो कल सुबह भी वापस दिया जलाएं और लक्ष्मी जी की आराधना करें। हम जानते हैं लक्ष्मी जी चंचला भी हैं और लक्ष्मी जी अच्छी भी हैं, दो टाइप की लक्ष्मी जी है। तो अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में चिरस्थायी लक्ष्मी जी रहे, और हमारे जीवन में जो बोलते हैं ना कि शक्ति के साथ संपन्नता के दोष भी आते हैं, हम चाहते हैं वो नहीं आए, तो हमेशा नारायण के साथ जब लक्ष्मी जी हमारे जीवन में आती है, तो हमारे अंदर एक बैलेंस लाती है। तो लक्ष्मी नारायण हरि हरि ये मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम नमो नारायण इसका भी जाप कर सकते हैं। तो अगर लक्ष्मी जी आपको पॉजिटिव रूप में अपने लाइफ में चाहिए, तो नारायण का नाम लक्ष्मी जी के साथ लेना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हम पीपल के पेड़ को पुष्य नक्षत्र से काफी हद तक जोड़ते हैं, तो इसलिए आज पीपल में जल चढ़ाना काफी जरूरी है। तो आज पीपल में जल चढ़ाएं, और कल सुबह भी चढ़ाएं, वहां भी दीपक जलाएं। और शमी का पेड़ काफी इंपॉर्टेंट है हमारे विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो अगर हो सके तो शमी के पौधे में भी आज जल जरूर चढ़ाएं। तो ये हो गई जल चढ़ाने की बात। दूसरी बात है दिया मैंने बता दिया, थर्ड है मंत्रों की बात। जैसे मैंने बताया आपको कुछ मंत्र, जो मंत्र आपको जाप करने हैं, लक्ष्मी जी के जो मंत्र हैं, और आपके कोई भी आराध्य देव हैं या इष्ट देव हैं, तो आज उनकी भी आराधना होनी चाहिए। और आपने आज तक कोई अगर कोई गुरु मंत्र अगर नहीं लिया है, कोई मंत्र से आज से कोई मंत्र आप अगर चाहते हैं चैंट करना, तो आज का दिन ही इम्पोर्टेंट है, जिस दिन आप उस मंत्र का जाप आज से शुरू करें। तो जी कुल मिलाकर मंत्रों की ज्यादा प्रभाव रहेगा आज, और पूजा पाठ का तो रहेगा। जी तो सुमित्रा जी के जो बताया उन्होंने कि आज का दिन जो है उन पर मंत्रों का जो जोर है वो ज्यादा रहेगा, और लक्ष्मी जी को आप किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं इस पर भी हम आगे करेंगे चर्चा। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जीएनटी स्पेशल। आज बात हो रही है दिवाली से पहले बने उस महासंयोग की जो आपके जीवन में खुशहाली लाने वाला है। दिवाली तो 12 नवंबर को है यानी 8 दिन के बाद, लेकिन उससे पहले आज महासंयोग बना है और वो भी पूरे 400 साल के बाद, पूरी 4 सदी बाद। इस बार ऐसा शुभ संयोग बना है जिसने त्योहारों की सीजन में लोगों के लिए धनतेरस से पहले ही दिवाली ला दी है। दरअसल इस बार दीपावली से पहले आज यानी 4 नवंबर और कल यानी 5 नवंबर को 2 दिन खरीदारी के महत्वपूर्ण पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। दीपावली की खरीदारी शुभ मुहूर्त से शुरू की जाती है और अगर इस दौरान पुष्य नक्षत्र भी हो तो वो और एक शुभ संयोग माना जाता है। 4 नवंबर शनिवार यानी आज सुबह 8 बजे से पुष्य नक्षत्र की शुरुआत हो चुकी है जो अगले दिन यानी रविवार को सुबह 10:30 बजे तक मौजूद रहेगा। इसके क्या महत्व है, इससे क्या लाभ होंगे, इस दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद रहेंगे हमारे खास मेहमान ज्योतिषाचार्य प्रतीक जी और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुमित्रा जी। तो आज का दिन क्यों इतना खास है, पुष्य नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है वो है शनि, तो इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सुमित्रा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आज के दिन जो कि 400 साल बाद ये शुभ मुहूर्त आया है, लगभग 400 सदी के बाद आज ऐसा महासंयोग बना है कि ये शुभ मुहूर्त बना है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए और हमें किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए कि हमें वो चीजें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि ज्योतिषाचार्य जी ने बोला कि आज सबसे पहले एक चीज जो ना करें कि आज शादी नहीं होती है, अपने कर्मचारियों पर गुस्सा ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक व्यक्ति अकेला बहुत आगे नहीं बढ़ सकता, टीम लेके बढ़ सकता है। तो टीम को आज बिल्कुल भी नेगेटिव बात ना करें और टीम को अगर आप अच्छी तरीके से चलाना चाहते हैं तो शनि की साधना भी इम्पोर्टेंट है और श्री यंत्र, क्योंकि मैं वास्तुशास्त्री हूँ तो बोलना चाहूंगी श्री यंत्र की पूजा आज जरूर करें और कैसे करें वो बताना चाहूंगी। नॉर्थ ईस्ट कोने पर एक पाटा लगा दें, उस पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर श्री यंत्र रखें और आप बैठ जाएं। ईस्ट की तरफ मुंह करें और श्री यंत्र को पहले जल अभिषेक जिसको बोलते हैं, थोड़े जल छींटे या जल से स्नान कराएं। काफी सारे लोग स्फटिक के श्री यंत्र भी रखते हैं, उस पर भी कर सकते हैं ये क्रिया को। उसके बाद केशर कुमकुम उनपे चढ़ाएं, उसके बाद कोई लाल फूल चढ़ाएं और श्री यंत्र को प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर रहे हैं तो मैं हमेशा ही अपने क्लाइंट को भी बोलती हूँ कि सिर्फ लक्ष्मी जी का अकेले का मंत्र नहीं बोलते, उनको अगर विष्णु जी के साथ बोलते हैं तो हमेशा आपके पास जो लक्ष्मी आती है वो चिरस्थायी भी रहती है और वो और उससे जुड़ी कोई भी नेगेटिव बातें आपके दिमाग में नहीं आती। तो सबसे पहले अगर बोलूंगी कि श्री यंत्र की बात करती हूँ तो श्री यंत्र को पहले जो नैवेद्य होता है वो चढ़ाएं, फूल पत्ते तो चढ़ाएं, आपके पास अगर मखाना हो तो वो चढ़ाएं, आपकी श्रद्धा अनुसार जो जो चढ़ाना चाहते हैं वो जरूर चढ़ाएं और आप कपूर से उनकी आरती करें और घी का दिया जरूर जलाएं जलाएं। तो कोशिश ये रखें कि आज जो दिया जलाएं वो कल सुबह भी फिर जलाएं, आज शाम को भी जलाएं। तो मेन है श्री यंत्र का आज हमें ध्यान करना है, कुछ मंत्रों का जाप करना है, जैसे महालक्ष्मी नमः का भी जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के जितने भी जो पाठ है श्री सूक्त है इन सबका पाठ करें और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की कोशिश करें। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा को भी आज प्रसन्न कर सकते हैं। शनि हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, शनि को भी आज प्रसन्न कर सकते हैं तो शनि के मंत्र कर सकते हैं, ओम शनिश्चराय नमः। गुरु इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमारे पास विजडम ही नहीं होगा तो हम राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बोला जाता है ना, अंधे के हाथ बटेर लगने से कोई फायदा नहीं है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत स्टेबल माइंड के हों और अच्छा डिसीजन मेकिंग करें तो आज गुरु को भी साधना चाहिए, ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। मैं मंत्रों पर ज्यादा जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आज का योग ही ऐसा है, संयोग है कि मंत्रों पे आप सबको ध्यान देना चाहिए और मंत्र को सिद्ध भी किया जा सकता है। जी सुमित्रा जी, सुमित्रा जी आपसे एक बार और जानना चाहूंगी कि पुष्य नक्षत्र को विशेषकर किस प्रकार की साधना और सिद्धि प्राप्ति के लिए जो है वो बड़ा ही शुभ माना जाता है, तो हमें किस प्रकार की साधना करनी चाहिए और किस तरह की सिद्धियां जो है हमें इस दिन जो है प्राप्त होती है। जी सबसे पहले बोलना चाहूंगी, आप मीडिया इंडस्ट्री से हैं तो काफी लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं और आज हम जानते हैं मार्केटिंग और मीडिया का ही युग है, मतलब राहु, तो राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा है अभी के युग में, तो राहु को सबसे अच्छा साधा जा सकता है इस समय, क्योंकि मैंने एक पहले शुरुआत में कथा भी बताई थी कि राहु कंट्रोल करने के लिए विष्णु भगवान ने इनिशिएटिव लिया था और बृहस्पति भगवान की हेल्प की थी उनकी पत्नी तारा को लाने के लिए। तो आज राहु की साधना सबसे अच्छी तरीके से की जा सकती है और राहु अगर किसी का भी अफ्लिक्टेड है तो उसके जीवन में बहुत सारे इल्यूजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आते हैं और मीडिया इंडस्ट्री में भी वो बहुत अच्छा नहीं कर सकता और रियल लाइफ
मार्केटिंग अच्छी नहीं कर पाते हैं तो आप कहीं ना कहीं आज के जमाने में पिछड़ जाते हैं। तो आज के लिए राहु बहुत इम्पोर्टेंट है, और राहु को अगर आप कंट्रोल में रखना चाहते हैं, आपकी जन्म पत्रिका में अगर राहु पीड़ित है, तो उसके लिए सिंपल साधना है कि आज आप गुरु का मंत्र का जाप करें और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें, विष्णु भगवान का ध्यान करें, उनकी आराधना पूजा करें। तो इससे हम राहु को भी साध सकते हैं, गुरु भी भगवान होगा हमारा, और हमारे पास अगर नारायण की आशीर्वाद रहेगा तो लक्ष्मी जी भी हमारे पास हमेशा बनी रहेंगी। तो ये कॉम्बिनेशन है जिसपे हम अच्छा काम कर सकते हैं। आप स्टूडियो में बैठे हुए भी नाम ले सकते हैं, आप जी ध्यान कर सकते हैं गुरु का, आप राहु का ध्यान कर सकते हैं, और आप साथ ही साथ विष्णु भगवान का ध्यान भी कर सकते हैं। तो सबको आज साथ सकते हैं। चंद्रमा हमारे मन के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे काफी सारे लोग सुसाइड करते हैं या बहुत सारे हादसों का शिकार होते हैं मेंटल प्रॉब्लम की वजह से। उसका भी कारण अभी के जमाने में जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हम दूसरों को अच्छा करते हुए देखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं काफी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उससे हमारे डिसीजंस भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो इसलिए चंद्रमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मन का कारक है। तो चंद्रमा को भी आज साधा जा सकता है। तो मेंटल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और लोग आपकी बात समझ पाए, आपका प्रभाव हो, मार्केटिंग अच्छी हो, तो ये तीनों ग्रहों को आज आप साध सकते हैं। चंद्रमा भी, गुरु भी, और साथ ही साथ मैंने अभी सबको बताया शनि इंपॉर्टेंट है हमारे स्टाफ्स के लिए। तो ये मैंने जो एक लाइफ को अच्छा चलाने के लिए जितने भी ग्रहों की आवश्यकता है मूल रूप से हमारे लिए, सबको आज साधा जा सकता है। जी बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो लोग ऑफिस जाते हैं, जो लोग आज खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, तो किन मंत्रों का जब वो घर बैठे स्टूडियो में बैठे या ऑफिस जाते हुए लोग जिनको छुट्टी नहीं है तो वो कैसे आज के दिन जप कर सकते हैं। आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए और नीतू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये खास खास पेशकश जो है वो लगातार जारी रहेगी। फिलहाल के लिए यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे।